हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जब भी लीला करने आते हैं तो वे अपने पार्षदों के संग ही प्रकट होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जब प्रकट हुए तो वे लक्ष्मण जी को अपने भाई के रूप में लीला में संग में रखे। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी को भ्राता के रूप में अपने साथ रखें। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु गौर लीला करने प्रकट हुए तो नित्यानंद प्रभु उनके संग ही थे, निमाई और निताई। नित्यानंद प्रभु इनका आविर्भाव दिन हम मना रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव बंगाल के एक चक्र ग्राम में हुआ। माता पद्मावती देवी और पिता हड़ाई पंडित ओझा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही थे, और जिनके माता पिता भक्त हो तो भगवान भी उस घर में प्रकट होने के लिए अत्यंत संतोष आनंद अनुभव करते हैं। नित्यानंद प्रभु जब जब चैतन्य महाप्रभु के संग लीला करते थे तो उन्हें यह ज्ञात था कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकट आविर्भाव है वे कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम सबको बांटने के लिए ही अवतरित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर जी को एक दिन आदेश दिया। उन्होंने कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करहो प्रकाश। हे नित्यानंद, हे हरिदास, हमारी ये आज्ञा है कि आप हमारी आज्ञा का सर्वत्र प्रकाश प्रसार करो। और महाप्रभु की आज्ञा क्या थी, उनकी इच्छा क्या थी? प्रति घरे घरे घिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अर्थात हरेक के घर में जाओ और घर में जाकर क्या करो, आप कृष्ण नाम की भिक्षा मांगो, कृष्ण नाम का प्रचार करो, उन्हें शिक्षा भी कृष्ण नाम का दो। महाप्रभु ने यह जब आज्ञा की नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को, तो वो दोनों ही इस आज्ञा को अपने शिरोधार्य लेकर नवदीप के ग्राम में प्रचार हेतु, ना केवल नवदीप, पूरे बंगाल में प्रचार हेतु निकाल पड़े। कुछ कुछ जगह पे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी जाते और वे लोगों से विनती करते कि आप कृष्ण कहो, गौर कहो, तो लोग भी हर्ष आनंद के साथ कृष्ण का नाम लेते, गौरांग महाप्रभु का गुणगान सुनते, महामंत्र का उच्चारण करते। किंतु कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कली के प्रभाव से, कलियुग के जो दोष है उनके कारण उनकी मति भ्रष्ट हुई थी। उनमें से कुछ थे कि जो मदिरापान करते थे, मांसाहार करते थे, व्यभिचार करते थे, जुगार भी खेला करते थे, अर्थात कली के जितने भी दोष हैं वे सब स्वीकार कर चुके थे। और उन्हीं में से प्रसिद्ध जोड़ी थी जगाई और मदाई की, अर्थात जगदानंद और माधवानंद। किंतु वो प्रसिद्ध थे जगाई और मधाई के नाम से। वे दोनों भाई ऐसी एक भी कार्य चीज नहीं थी जिसका उल्लंघन उन्होंने किया नहीं था। प्रचुर मात्रा में मदिरा पीते थे, सबको कष्ट देते थे,
व्यभिचार करते थे, जुगाड़ खेलते थे। जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने उनको देखा तो नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर जी से कहा कि चलो हम उनको भी कृष्ण नाम देते हैं, उनको भी कृष्ण की शिक्षा देते हैं। यदि वे कृष्ण नाम लेंगे तो उनमें जो परिवर्तन हुआ है वह देख के चैतन्य महाप्रभु तो खुश होंगे ही, अपितु सर्वों के लिए उदाहरण भी होगा कि महाप्रभु की वाणी इसमें कितना बल है, उसमें कितना आनंद है। तो वे उस जगदानंद और माधवानंद के निकट गए। वे दोनों तो उस मदिरा पान में इतने अपने आप के बेहोश स्थिति में थे कि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं रहा कि यह तो साक्षात भगवान की वाणी का प्रचार करने हेतु साधु आए हैं। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उनको भगवान का नाम लेने के लिए कहते, वे उस मदिरा में मदमत्त नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को अनाप शनाप बोलते थे, उनके ऊपर क्रोध करते थे और उन्हें कहते थे कि आप यहाँ से भाग जाओ वरना हम आपके ऊपर प्रहार करेंगे। आसपास के लोग भी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी से विनती करते कि यह दोनों अत्यंत कली के प्रभाव के कारण दूषित चीज़ों में अटके हुए हैं, अच्छा यही है कि आप इनके निकट भी ना जाओ। तो किसी तरह हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को वहाँ से लेकर दूर चले जाते। किंतु पुनः दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु जैसे उनको देखते तो उनकी इच्छा होती थी कि क्यों ना इनको कृष्ण नाम दिया जाए, क्यों ना इनको भगवान के वाणी में आनंदित किया जाए। पुनः वे जगाई और मधाई के निकट चले गए। जैसे ही वे जगाई मधाई के पास गए तो जो माधवानंद थे अर्थात मधाई, उन्होंने चैतन्य नित्यानंद प्रभु को कहा कि अरे आप फिर से हमारे निकट आए, आप फिर से हमें कृष्ण नाम लेने के लिए कह रहे, आपकी इतनी हिम्मत। और मधाई ने क्रोध में आकर उनके हाथ में जो मिट्टी का घड़ा था उसे नित्यानंद प्रभु की ओर जोर से प्रहार हेतु फेंक दिया। अब आसपास के जो भी लोग थे उसमें से कुछ महाप्रभु की ओर दौड़ पड़े उन्हें सूचित करने कि देखो जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी के ऊपर किस तरह प्रहार कर रहे हैं। जिस क्षण चैतन्य महाप्रभु को यह सूचना मिली, महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण, वे वहाँ पर दौड़ पड़े क्रोध में, क्योंकि भगवान अपने ऊपर तो प्रहार सह सकते हैं किंतु अपने पार्षद अपने शुद्ध भक्तों के प्रति यदि कोई अपराध करें तो वे उन्हें क्षमा नहीं करते। अब तक जगाई और मथाई ने बहुत सारे पाप किए थे किंतु इस बार उन्होंने अपराध किया भक्तों के प्रति, स्वयं बलराम जो नित्यानंद प्रभु है उनके प्रति। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला मधाई के ऊपर प्रहार करने हेतु। उसी क्षण नित्यानंद प्रभु दौड़ पड़े और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ के विनती की कि महाप्रभु आपका यह अवतार जीवों के उद्धार हेतु हुआ है। अलग अलग अवतारों में आप अलग अलग कार्य करते हो किंतु आपका जो महावदन्याय रूप है अर्थात चैतन्य महाप्रभु के रूप में आप इस कलयुग में प्रकट हुए हो, आविर्भूत हुए हो जीवों के उद्धार के लिए, और इस कली के दोष के कारण सर्व जगह व्याप्त है, इस कली के असुरी प्रभाव से पीड़ित दूषित पापाचारी लोग, तो आप किन किन को ऐसे प्रहार करोगे? आपका हेतु इन्हें क्षमा करके
कृष्ण प्रेम प्रदान करना है। नित्यानंद प्रभु जो परम करुणा में है, उन्होंने याचना की महाप्रभु से कि आप सुदर्शन चक्र को मत चलाइए। उसी क्षण जगाई वे दौड़ के आई और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के समक्ष नतमस्तक होने का प्रयास किया। चैतन्य महाप्रभु उन पर भी क्रोधाविष्ट हो गए, उन पर भी प्रहार करने हेतु सज्ज हुए। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाप्रभु, यह जो जगाई है, इसने मधाई ने जब प्रहार किया तो जगाई ने मधाई से कहा कि अरे आप प्रहार मत करो, यह तो साधु है और यह तो भगवान का नाम हमें बांटने आए हैं, तो आप इन पर प्रहार मत करो। जगाई ने रोका था मधाई को हम पे प्रहार करने के लिए। जैसे ये वार्ता सुनी महाप्रभु ने तो उनका क्रोध लेश मात्र कम हुआ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत अच्छा लगा कि जगाई के हृदय में बलराम जी के प्रति अर्थात नित्यानंद महाप्रभु के प्रति प्रेम भाव तो प्रकट नहीं हुआ था, किंतु आदर भाव हो या सम्मान भाव हो इतना तो प्रकट हुआ। भगवान इस गुण को भी देखकर कि किंचित मात्र क्रोध उनका शांत हुआ। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप इन दोनों को क्षमा करो। चैतन्य महाप्रभु बोले कि यदि यह मेरी क्षमा मांगने पूर्व ही नित्यानंद तुम्हारी क्षमा मांगते हैं तो हो सकता है मैं इन्हें क्षमा कर दूं। उसी क्षण जगाई और मदाई ने नित्यानंद प्रभु से क्षमा याचना मांगी, उनके चरण पकड़े। नित्यानंद प्रभु मदाई को अपने गले लगा लिए, उन्हें माफ तो कर ही चुके थे। चैतन्य महाप्रभु ने भी उन दोनों को माफ कर दिया। उसके बाद प्रायश्चित हेतु जगाई और मदाई ने महाप्रभु से याचना की कि हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमें प्रायश्चित हो, हमने आज तक जो भी बुरे कार्यकलाप किए हैं। महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप हरि नाम का संकीर्तन सतत करो। जो भी इस गंगा घाट पर आते हैं उन सारे आने वाले तीर्थ यात्रियों की आप सेवा करो, इससे आपका प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। आज भी उस गंगा के घाट पर मधाई घाट प्रसिद्ध है, मधाई के नाम से वह घाट बना हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जगाई मधाई ने इतने सारे पाप किए किंतु उन्होंने अपराध नहीं किया था, क्योंकि वे कभी वैष्णवों से मिले ही नहीं थे, और जब वैष्णवों से मिले अपराध उनके हाथों हुआ, किंतु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में उन्होंने आश्रय लिया तो महाप्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया। इस तरह इस लीला से श्रील प्रभुपाद हम सबको सिखाते हैं कि अभी के जो वर्तमान गुरु है या हमारे जो भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु है या श्रील प्रभुपाद जी भी हमारे गुरु है, इन सब के आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु। यदि हम अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और निस्संदेह राधा कृष्ण की कृपा से श्री धाम वृंदावन का वास प्राप्त होता है। आज के इस परम पावन नित्यानंद त्रयोदशी के पावन पर्व पर हम सबको निताई पद कमल जो कोटि चंद्रों से भी सुशीतल है उनके चरणों में वंदना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी
अपने गुरुओं के आदेशों का पालन करने की मति बुद्धि प्राप्त हो, वैष्णवों के प्रति कभी अपराध ना हो, ना धाम अपराध हो, ना सेवा अपराध हो। नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।